अर्थ ई बास पास के अनपढ़ अशिक्षित जुलाहे इकट्ठे हो गए, आसपास के अशिक्षित जुलाहे थे वो इकट्ठे हो गए। आज देखियो ये कुदरती बात होती है, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी शद। कबीर जी को मैं तो नहीं देते थे कलोनी वाले, बाहर का पंडित जी आ गया, ले बाज देखियो यू गणा उपाक रहा था, आज इसको हरावेगा ब्राह्मण। अब बैठ गए सैकड़ों की संख्या में। तो सर्वानंद ने कहा कबीर जी प्रसन्न करो। परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। अब यू एक प्रश्न बतेरा इन विद्वानों ने। अब वो ट्या 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 करन लग्या, कहता है वो तो अदर अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं, मृत्युंजय है, कालज्ञ है, ये तो सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है। परमात्मा बोले तू ये शास्त्र ले रहा है साथ में, कहाँ ले रहा हूँ, पुराण निकाल ले, शिव पुराण और देवी पुराण निकाल ले। ये स्वयं कहते हम नाशवान है, हमारी जन्म मृत्यु होती है और हमारे माता पिता हैं। अब थोड़ी सी झलक दिखाएगा दास, क्योंकि इस समय ज़्यादा होता जा रहा है। श्रीमद् देवी भागवत, इसमें वही आपको दिखाते हैं, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी और इसके प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु कहते हैं अपनी माता दुर्गा की महिमा सुनाते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्वासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा तो आविर्भाव और त्रोभाव हुआ करता है, आविर्भाव मन जन्म, त्रोभाव मन मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तुमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा एवं शंकर विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। अब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी हे पंडित जी देवी भागवत तीसरा स्कंद निकाल के देख ले, पढ़ के दिखा सुना दे इनको ईमानदारी से, और शिवपुराण श्री शिवपुराण रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 से लेकर 9 तक पढ़ के और देख ले। इसमें लिखा है विष्णु की उत्पत्ति सदा शिव यानी काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा से, ये इनके माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माँ है, काल रूपी ब्रह्म ये ज्योति निरंजन ये इनका पिता है। अब उसने वो भी खोल के देखा, एज इट इज लिखा था, पर अभिमान नहीं मानने देता, कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना, ये अरे ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता, मान बढ़ाई ईर्षा छुट्टे बिना भगवान नहीं मिल सकता। अब उसने देख लिया सारे ठीक लिखे हैं, लेकिन बेइज्जती का नाश हो इज्जत का उड़े, कहने लगा कहीं नहीं लिखा है, झूठ बोलता है, और ही कोई इसने संस्कृत गोट रखी थी, आउट ऑफ सिलेबस याद कर रहे थे कि तक कोई उपनिषद को वो पढ़ना बोलना शुरू कर दिया, कंठस्थ भगवान की महिमा बताने लगा, सुना दी ने कोई आध घंटे घंटे तक बोलेगा संस्कृत, जो प्रश्न था वो छोड़ दिया और बंडन लाए गया, तो ज़्यादा समय तक संस्कृत धारावाहिक बोलन तय उन अनपढ़ जुलाहों ने ताड़ी पीट दी, वाह सर्वानंद जीत गया जीत गया, सर्वानंद जीत गया, कबीर जी हरा दिए। ऐसे शास्त्रार्थ इन्हें न्यो बठा रखा था नकली ऋषियों ने। परमात्मा बोले अच्छा पुण्यात्मा या ऐसे होगी, एक किसान का बेटा
पांचवीं छठी सातवीं कक्षा में पढ़ा करता, उस समय अंग्रेजी ला गया करती पांचवीं छठी तय, छठी कक्षा से इंग्लिश पढ़ने लग गया करते, वो छठी सातवीं में एक आधा कोई ऐसे याद कर लिया करते प्रस्ताव, या कोई सिक लीव माई बेस्ट फ्रेंड इस तरह के ये सिक अप्लीकेशन और प्रस्ताव याद कराया करते, एक दो ये मुश्किल तो याद होया करते। एक बार रविवार के दिन अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठा हुआ वो बच्चा सुकू खेतों में जा रहा था किसी कामवश, आगे से अंग्रेज आ गया अपनी मोटर गाड़ी ले रहा था कार, वो रास्ता भी चल गया। उसने अंग्रेजी में पूछा भी मैंने इस गांव में जाना है, अंग्रेजी बोला वो, और कृपा मुझे ये मेरा ठीक रास्ता है क्या, मैं ठीक जा रहा हूँ उस गांव में जाना, मैंने वो अंग्रेजी में बोला। तो किसान बोला रे बेटा तू भी अंग्रेजी जाने है, आज छुड़ा दे छक्के इस अंग्रेज के, बोल दे अंग्रेजी। उसने सुना दिया सिक लीव व छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र सुनानी शुरू कर दी, टू दी हेडमास्टर आई एम इल टूडे आई कैन नॉट कम टू स्कूल प्लीज ग्रांट मी वन डे लीव योर फेथ पुलिस ओ सो। अब उस अंग्रेज ने सोचा देख मैं पूछूं हूँ रास्ता ही बताओ सुना वे सिक लीव, माथे माथ मार के और गाड़ी में बैठ के चल पड़ा, चल और आगे पूछूंगा किसे थे। अब किसान ने कमर थपथपाई अपने बेटे की, बेटा वाह आज तने अंग्रेज के छक्के छुड़ा दिए भगा दिया। तो वो बोला पिताजी माय बेस्ट फ्रेंड और याद था जो वो सुन ले तो गाड़ी छोड़ के बात जाओ, तो ये तो माय बेस्ट फ्रेंड सीख लो सुनान ला गया सर्वानंद प्रसन्न के था और बकवाद के शुरू कर दी। तो परमात्मा बोला बेटा नाड़ी मानना को नहीं ठीक सब आई तो जीत गया मैं हार गया, क्योंकि सब ने थाली पीट हथेड़ी पीट दी ताड़ी पीट दी, ठीक है तो जीत गए और मैं हार गया सर्वानंद जी, ठीक है मानना नहीं थे उसके लिए के ज़्यादा क्यों बहस करी, कहने लगा ऐसे नहीं मानने वाला मैं, लिख कर दे दे मेरी माँ जब मानेगी, अगर लिख ले मैं तनपढ़ हूँ। उसने लिख लिया शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गए कबीर जी हार गए, परमात्मा ने बोले दस्तक कर, परमात्मा बोले ले भाई मैं तो अंगूठा ला दूंगा, अंगूठा लगा दिया। अब गया खुश होकर अपनी माँ के पास, माँ जाते आज जोड़ दिया उसने तय, अरुण बोला आप जीत के मैं हार गया, लिख दिया अगले बेटा पढ़ के सुनाता है, पढ़ के सुनाया क्या लिखा था शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया कबीर साहब जीत गए, नो पढ़ के नो करे, कहने लगे अरे तू तो हार का है बेटा तूने क्या मैं जीत का आया हूँ। तो सर्वानंद बोला माँ मेरे से ना गलती से लिखा गया, मैं दो तीन दिन शास्त्रार्थ में सारी रात जगा हुआ था ध्यान नहीं रहा, माँ बोली फिर लिखवा के लिया भाई मत बिना लिखे ना मानू। वो फिर गया परमात्मा के सामने कहने लगा मेरे से गलती से गलत लिखा गया, परमात्मा बोले लिख ले भाई, फिर लिख लिया शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया कबीर साहब हार गए। आके अपनी माँ के पास पढ़ने लगा वो उल्टे अक्षर हो पाए, शास्त्रार्थ में कबीर साहब जीत गए सर्वानंद हार गया। उसकी माँ बोली रे तू तेरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तू दुरपहुँचे भी है क्राइम लिख के लिया हुआ है। वो फिर न बोला इबके फिर जाऊँ जाल जाके फिर परमेश्वर से कहा, परमात्मा बोले फिर ला दूंगा अंगूठा भाई के अंगूठा गस्सा है मेरा था फिर लगा ले। उसने फिर वैसे लिख लिया फिर लगा लिया। अब घर के जो चौखट में अंदर प्रवेश करने लगा दरवाजे में उससे पहले पढ़ रहा है बिल्कुल ठीक, उसने सोचा कि बिजली पड़ है इसी घर में घुसते ही बदल जाए, वो पढ़ता पढ़ता चल रहा है माँ सुनाऊँ माँ सुनाऊँ अखा बेटा सुना। वो उसी समय ऐसे अक्षर चेंज हो गए जैसे टीवी पर दिखा दिया करें ये हाथ की सफाई, उस पर क्या लिखा पाया सर्वानंद हार गया कबीर साहब जीत गया, मुँह खुला खुला रह गया। इन्हें बोली रे पढ़ता क्यों ना विद्वान है, वह माँ बोली पढ़े क्यों गुंगा हो गया बैठ गया पेट पकड़ के, जब तेने सोचा मेरा गलती हो जाए जब वहाँ क्या गया बदले जब कल जा गया उसका, कहने लगे माँ के बताऊँ वहाँ से लिख के लाऊँ ठीक रिया हो जा से उलट। ने बोली बेटा तू ठीक का ना लिख रहा तू लिख गलत रहा है, और ऐसा ही हुआ तू हारा वो जीता है। अखा माँ माँ हार गया वो जीता है, वो जीते हैं भगवान, बेटा भगवान नाम ले ले क्यों दुनिया ने मूर्ख बना रहा तू भी नरक में जागा, मेरी आत्मा तेरे में घनी फंसी हुई है और मुझे पता लग गया मेरा बेटा विनाश को प्राप्त होगा, मुझे नींद नहीं आती दिन रात।
एक ही प्रार्थना करती हूँ अपने परमात्मा के पास जाकर, मेरे बेटे को शरण में ले ले, आज तेरा समय आ गया है, अखाम सही आ गया, मुझे शर्म आओगी, मेरे साथ चलो, नाम दिवा दो। जब बोली चाल, मैं तो तैयार बैठी हूँ। जब जाकर चरणों में गिर दिया, पड़े परमात्मा के चरणों में बना पड़े विद्वान, वो सर्वानंद ने फिर नाम लिया और कल्याण करवाया। बोलो सतगुरु जी सत साहे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा आप ही बताते हैं, सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। परमात्मा कहते हैं, तप के चाहे 1000 वर्ष तप कर रख्या हो, वो आधी घड़ी के सत्संग के भी तुल्य नहीं है। गुणात्माओं, तप करना जो है ये शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण है, काल प्रेरणा है। ये कहाँ से ग्रहण हुआ है? जब ब्रह्मा जी, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ये युवा हुआ, इसको ये अचेत रहा, फिर इसको कमल के फूल पर काल भगवान ने, इसके पिता ने सचेत कर दिया। कमल के अतिरिक्त वहाँ जल ही जल था। ब्रह्मा चिंतित था कि पृथ्वी कोई दिखाई दे नहीं रही, जल ही जल है। उसी समय आकाशवाणी की कि तप करो तप करो। तो 1000 वर्ष तक तप किया ब्रह्मा जी ने। उसके बाद काल ने आकाशवाणी की कि सृष्टि करो। पुण्यात्मा, उसके बाद फिर ब्रह्मा को काल भगवान ने ये 4 वेद दिए। समुद्र मंथन के समय, समुद्र मंथन इससे पहले 2 बार हो चुका था, जो हमारी पुराणों में वर्णित है, और उसका ज्ञान इनको नहीं था, पुराण रचना करने वालों को। तो उससे पहले, सबसे पहले 4 वेद ब्रह्मा को मिले, इसने वेदों को पढ़ा। वेदों में केवल एक ओम नाम है, एक ही परमात्मा की पूजा का विधान है। वो परमात्मा सर्वोपरि है, वासुदेव है, सर्वशक्तिमान है, उसको परम अक्षर ब्रह्म है। लेकिन उसकी पूजा की विधि 5वें वेद में थी, वो काल ने छुपा दी। परमात्मा ने इस काल को, ब्रह्म को 5 वेद दिए थे। इसने हमारे साथ ये धोखा किया कि इसने 5वां वेद छुपा दिया, कि कहीं इन प्राणियों को इनके अपने निज स्थान का पता लग जाए, उस सुख से ये परिचित हो जाएं, तो यहाँ कोई नहीं रहेगा, सब भाग जाएंगे और तेरा राज खाली हो जाएगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित खाता है, तो इसने हमें अपने यहाँ पर कसाई की तरह, बकरों की तरह पाल रखा है। जब हमें सुविधाएं देता है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान है। जब हमें परिवार के परिवारों को खा जाता है, क्षेत्र के क्षेत्र को नष्ट कर देता है, परमात्मा ने बताया कि ये काल है, जिस प्रकार कसाई बकरे पालता, ऐसे तुम्हें यहाँ पर मूर्ख बना रखे। तो इस काल भगवान ने अपने स्वार्थवश 5वें वेद को छुपा दिया। परमेश्वर ने उस 5वें वेद को प्रकट करने के लिए स्वयं ही आना पड़ता है, और साथ में इन 4 वेदों में जो वर्णित है, जो यहाँ के काल प्रेरित ऋषि नहीं समझ सके, उनको भी परमात्मा ही आकर समझाता है। तो परमेश्वर हमें बताते हैं कि सत्संग से ज्ञान होता है प्राणी को, कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, और ये तप आदि करने से क्या लाभ होता है। कहते हैं, तप से राज राज मदमानम जन्म तीसरे सुकर समानम। ओए ओए,
तप का क्या प्रतिफल है? जितना अधिक तप प्राणी